हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पे, जो है पार्ट टू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन चैप्टर वन इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप जानते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन मटेरियल, यानी ये वह प्रॉपर्टी हैं मटेरियल की जो बिहेवियर बताती है मटेरियल का जब हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं। जब मैं किसी भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करता हूँ तो जो उसकी बॉडी में और उस मटेरियल के बिहेवियर में जो चेंज होता है उसे हम कहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यहाँ देखिए, मैं ये बॉडी है, इसमें हम फोर्स लगाऊंगा तो जो इसमें चेंजेस आएंगे, जिसके बिहेवियर में, जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चेंज होगा, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो हम किस में करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब फर्स्ट वन प्रॉपर्टी आप देखिए, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है मेरे पास इलास्टिसिटी। पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। यानी वह प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके कारण क्या होता है, वह अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। जब उससे बाह्य बल हटता है तो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। यहाँ देखिए, मैंने कोई रबड़ ली, उसमें मैंने फोर्स लगाया। पहले इसकी लेंथ जो थी एल थी, और फोर्स लगाने के बाद क्या हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। जब मैंने फोर्स को रिमूव किया तो यह दोबारा से अपनी एल जो लेंथ है उसमें आ जाएगा, अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, अपनी लेंथ भी रीगेन कर लेगा। अब अदर वन प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल By virtue of which it does not regain its original shape when load is removed. यानी जब लोड हट जाता है और वह अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाता मटीरियल, तो उसकी वह प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है प्लास्टिसिटी। देखिए, कोई वायर था, मैंने उसमें फोर्स लगाया, जैसे मैंने इलास्टिसिटी के एग्जाम्पल में लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद यह वायर इलांगेट हो गई, और जब मैंने फोर्स हटाया तो भी इलांगेटेड ही वायर रही, ना कि इसने अपना शेप रिगेन कर लिया। तो यह उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी प्लास्टिसिटी। अब हम थर्ड वन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो मेरे पास है डक्टिलिटी। अब जानते हैं कि डक्टिलिटी क्या होती है। तो डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। यानी वह प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसके कारण हम उसको वायर्स के रूप में बदल सकते हैं, जैसे गोल्ड की चेन बना सकते हैं। यानी मटेरियल को हम वायर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम वायर्स हो गया, उन्हें लॉन्ग इलांगेट कर सकते हैं। वह प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है मटेरियल की। अब जानते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, जो मेरे पास है मैलेबिलिटी। जो है मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ड्रॉन इनटू थिन शीट। यानी जिसके कारण मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण हम उसे पतली चादरों में बदल सकते हैं, उस मटेरियल को पतली चादरों में बदल सकते हैं, तो वह उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है मैलेबिलिटी। और ये देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम की कोई सीट है, इसको जैसे हम पता है कि एल्युमिनियम को हम हैमरिंग से इसको मतलब थिन सीट्स के रूप में क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं बाय हैमरिंग और कुछ भी मेथड करके हम इसको सीट के रूप में बना सकते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है मैलेबिलिटी। अब आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ब्रेक ईजिली, इट ब्रेक ईजिली वैन सब्जेक्टेड टू लोड। यानी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसके कारण क्या होता है, वह आसानी से टूट जाए जब हम उस पर कोई भी लोड लगाए, और वह अगर आसानी से टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस। वह प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटलनेस। जैसे ये चौक है, मैंने इसमें लोड लगाया और ये ईजिली टूट गई। हम मैं बता दूँ, ब्रिटलनेस का कारण होता है लैक ऑफ डक्टिलिटी। क्या होता है, लैक ऑफ डक्टिलिटी। कॉज ऑफ ब्रिटलनेस असली में लैक ऑफ डक्टिलिटी है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो है हार्डनेस। सो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रजिस्ट पिनिट्रेशन, इंटेंडेशन एंड स्क्रैचिंग। यानी यह प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके कारण वह अपने सरफेस पे, अपने सरफेस पे, माने कोई भी मटेरियल है उसका सरफेस है, वह पिनिट्रेट को होने से रोकता है, इंडेंट पड़ने से रोकता है, और स्क्रैच होने से भी जो रोके प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं हार्डनेस। इट डिक्रीज बाय हीटिंग। यह जो प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज़ करती है हीटिंग से। यानी अगर मैं किसी मटेरियल को हीट करता हूँ तो हार्डनेस हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी।
और हार्डनेस में आपको बता दूँ सरफेस प्रॉपर्टी है, ये हम सरफेस पे जांच करेंगे, हम सरफेस पे देखते हैं कि यह कैसा है, इस पर कोई डेंट तो नहीं है, इस पर कोई स्क्रैचिंग तो नहीं है, तो यानी वह प्रॉपर्टी मटेरियल की जो रजिस्ट करती है इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों का प्रतिरोध करती है। इट इज़ टेस्टेड बाय ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड विकर हार्डनेस टेस्ट, यानी यह तीनों टेस्ट इसको जांच करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए किए जाते हैं कि कितने पेनिट्रेट हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट इसमें किसी सरफेस में, कितना स्क्रैचिंग हो रही है, कितना इंटेंड हो रहा है, तो ये सब हम चेक करेंगे इन तीनों टेस्ट से, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड विकर हार्डनेस टेस्ट से। अब हम बात करते हैं सेवन्थ वन प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विदस्टैंड लोड विदाउट रप्चर और फेलियर, यानी प्रॉपर्टी है किसी भी मटीरियल की जिसके कारण वह लोड को एब्जॉर्ब कर देता है, सह सकता है विदाउट फेलियर, यानी फेलियर और रप्चर के बिना। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई बीम है, इस पे मैं लोड W अप्लाई करता हूँ और लोड अप्लाई करने के बाद भी वह ऑब्जेक्ट फेल नहीं होता, नहीं ब्रेक होता, तो उस प्रॉपर्टी को मैं क्या कहूँगा, स्ट्रेंथ कहूँगा। टफनेस, देखिए टफनेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बेंट और ट्विस्टेड बिफोर रप्चर। बेंट और ट्विस्टेड यानी कोई भी मेरे पास ये रॉड है, इसको मैंने मोड़ दिया, मोड़ने से मोड़ दिया और मोड़ने के बाद देखिए या ये फेल करेगा। मोड़ने के बाद क्या होगा, जब मैं इसको ज़्यादा ही लोड दे दूंगा तो ये फेल हो जाएगा, पर उससे पहले, बिल्कुल ब्रेकिंग से पहले एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को हम क्या कहेंगे, टफनेस कहेंगे। हम देखिए इसकी दूसरी परिभाषा से ये साफ हो जाता है कि द एबिलिटी ऑफ मटीरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इट्स प्लास्टिक लिमिट, यानी फेलियर से पहले तक एब्जॉर्ब की गई एनर्जी मेरी क्या कहलाएगी, टफनेस कहलाएगी। अब हम बात करते हैं नाइन्थ वन प्रॉपर्टी की जो है मेरे पास रेजिलियंस। अब देखते हैं रेजिलियंस या स्ट्रेन एनर्जी, इसका अदर नेम है स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी इसकी डेफिनेशन है कि यह प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो हमें बताती है कि हमने कितनी एब्जॉर्ब किया एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट यानी इलास्टिक लिमिट तक हमने मटेरियल ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, वह हमारी कहलाएगी स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज़ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एनी मटेरियल विच इज़ लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के भीतर की गई एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उस एनर्जी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस। और इलास्टिक लिमिट हमें पता है कहाँ तक होती है, जहाँ तक मटेरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेनटेन करता है और अपना सेव रीगेन कर सकता है, तो जहाँ उस स्ट्रेन एनर्जी तक एब्जॉर्ब की गई स्ट्रेन एनर्जी को कहेंगे हम कि इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्ब की गई एनर्जी क्या कहलाती है मेरी, रेजिलियंस और स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। और स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय मटेरियल, वर्क डन बाय मटेरियल यानी मटेरियल के द्वारा कितना कार्य किया गया है वह हम किससे पता लगाते हैं, स्ट्रेन एनर्जी से। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन टफनेस एंड स्ट्रेन एनर्जी। यहाँ देखिए मैंने वाई एक्सिस से स्ट्रेस को दिखाया और स्ट्रेन को दिखाया है एक्स एक्सिस से। अब आप ये देखिए, यह मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ऐसा ही होता है। तो देखिए ए पॉइंट है मेरा इलास्टिक लिमिट और बी पॉइंट है मेरा प्लास्टिक लिमिट, यानी यहाँ तक बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर सकती है और प्लास्टिक लिमिट में नहीं करती। प्लास्टिक लिमिट में आप देखिए जो एनर्जी हमने इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर रखी है यहाँ पे ए पॉइंट तक, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी। और बी पॉइंट तक जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब किया है उसके फेलियर होने से पहले तक की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। यहाँ आप ग्राफ से इसको इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेंथ प्रॉपर्टी की, और टेंथ प्रॉपर्टी क्या है आप जान लेते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी मेरे पास स्टिफनेस, स्टिफनेस इज डिफाइंड एज अ लोड रिक्वायर्ड टू डेवलप यूनिट डिफ्लेक्शन इन द मटीरियल और बॉडी इज कॉल्ड स्टिफनेस, यानी कितना लोड रिक्वायर होगा यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी बॉडी में, वो हमारा कहलाएगा स्टिफनेस। स्टिफनेस देखिए लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन न्यूटन पर mm। यहाँ पे देखिए एक मेरे पास बीम है, इसमें मैं W एक लोड लगाता हूँ, यहाँ पे लोड लगाने से क्या होता है, देखिए बीम में डिफ्लेक्शन आना, बीम बैंड हो जाता है और बैंडिंग के कारण क्या एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको मैं डेल्टा से दिखाऊंगा, डेल्टा से दिखाता हूँ डेल डिफ्लेक्शन को, और यहाँ पे हमारे को डिफ्लेक्शन आ जाएगी लोड को अप्लाई करने के बाद। तो स्टिफनेस वही कहलाती है कि लोड रिक्वायर्ड टू डेवलप यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी कितना लोड रिक्वायर है यूनिट डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए किसी मटेरियल में और बॉडी में, इसे हम कहेंगे स्टिफनेस।
अब हम जानते हैं कि फटीक और क्रीप क्या होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और हमेशा पूछी जाती हैं। तो हम जानते हैं कि फटीक क्या होता है कि व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट लोड, यानी जब भी किसी मटेरियल पे, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, इसमें मैं फ्रीक्वेंटली लोड देता जा रहा हूँ, इसमें लोड अप्लाई कर रहा हूँ फ्रीक्वेंटली, बैक टू बैक इसमें मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा बिलो एट यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, यानी यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से पहले ही यह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यह फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी यानी बॉडी यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से पहले। यील्ड पॉइंट स्ट्रेस वो होता है जहाँ से हमारी डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, यानी उससे भी पहले ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा इसकी दूसरी डेफिनेशन से, द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू फ्रीक्वेंट लोडिंग इज कॉल्ड फटीग। यानी फ्रीक्वेंट लोड देने से किसी भी बॉडी में क्या हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू फ्रीक्वेंट लोडिंग। और जब उसका रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है फ्रीक्वेंट लोड के कारण, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फटीक कहते हैं। क्या कहते हैं, फटीक। अब जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, जो है मेरे पास क्रीप, जो है क्रीप। तो क्रीप इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय वर्चू ऑफ विच इट डिफॉर्म कंटिन्यूसली बाय स्टेडी लोड एट हाई टेम्परेचर। यानी यह प्रॉपर्टी है मटीरियल की जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है कंटिन्यूसली, डिफॉर्मेशन वाला हमारा कंटिन्यूसली चलता है बहुत ही स्लोली स्लोली बाय स्टेडी लोड, यानी एक ऐसा लोड जो हमेशा लगा रहे। जैसे हमारे पास फ़ैन होता है, तो उसमें हमारे पास जो फ़ैन हमारा टंगा रहता है उसमें एक हमेशा एक स्टेडी लोड लगा रहता है, और वो भी एक हाई टेम्परेचर पे। तो जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके कारण वह क्या करता है कि स्टेडी लोड को सहता है, और उसके कारण वो डिफॉर्म होता है कंटिन्यूसली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो डिफॉर्मेशन होती है कंटिन्यूसली बाय स्टेडी लोड इज़ नॉन एज क्रीप, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रीप। आज हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ समाप्त होता है, और इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊँगा। और आपको यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।